हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप जो मेरी आवाज है उससे मेरी खुशी का अंदाजा जरूर लगा रहे होंगे। भैया मैं बहुत बड़ी लॉटरी जीत गया हूँ। यहाँ पे मैं जीत गया हूँ $1700 की लॉटरी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब मेरा कोई इंटरव्यू लेगा तो मैं बोलूंगा भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो लॉटरी जीतने के बाद। हालांकि मुझे नहीं पता था मैंने कब इस लॉटरी के लिए एनरोल किया था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं जीत गया हूँ ना, मुझे सबसे बड़ी यही खुशी है, इसी बात की खुशी है। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं दी मेगा मिलियन लॉटरीज के बारे में। तो भैया वीडियो को पूरी देखना, क्यों? क्योंकि यार आज नहीं, इन फ्यूचर पूरी लाइफ में आपकी ये चीजें बहुत काम आने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल की। नहीं ज्वाइन हुए हो तो वहां ज्वाइन हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती है। वीडियो को लाइक करो और आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज यार, सब्सक्राइब कर दो फर्स्ट टाइम हो तो चैनल पे। सो भैया आज हम बात करने वाले हैं स्पैम वाले जीव जंतुओं की। तो भैया आज मेरे पास एक ईमेल आता है, कांग्रेचुलेशन यू हैव वॉन USA मेगा मिलियन ईमेल लॉटरी, अटैचमेंट बिलो इज योर विनर प्राइज इंफॉर्मेशन, व्यू द प्रोसीजर। ठीक है, तो भैया मेरे पास एक ईमेल आता है USA.lottery से, जहां पे ये लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत बड़ा अमाउंट लॉटरी में विन करके गए हो, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने कहां पे एनरोल किया था और क्या रीजन था ये जो प्राइज है मुझे मिलने का। डेफिनेटली प्राइज कैसे क्लेम करें इसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने जरूर दी है इस PDF में, इसके बारे में डिस्कस करते है। लेकिन एक चीज, गूगल का ऑटोमेटेड सिस्टम जिसने इस मेल को ऑलरेडी स्पैम फोल्डर में डाल दिया है, इसका क्या रीजन है? और इसीलिए मैंने कहा आज हम बात करेंगे स्पैम वाले जीव जंतुओं की। तो भैया यहां पे मेरे पास एक अटैचमेंट है, अटैचमेंट को मैं जैसे ही ओपन करता हूं तो यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेगा मिलियन लॉटरीज की, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल नहीं, ये आपके बगल में भी हो सकते हैं बंदे, यानी कि आप अगर कहीं के भी हो ना तो ये आपके शहर के भी हो सकते हैं। और एक बात मैं क्लियरली बता देता हूं, टोटली स्कैम है। अगर आपके पास कोई मेल आता है, कोई मैसेज आता है जहां पे क्लेम किया जाता है कि आप बहुत बड़ा अमाउंट विन कर गए हो लॉटरी के अंदर, तो सीरियसली उस पर ध्यान मत देना। स्पैम फोल्डर में हो चाहे आपके जेन्युइन ईमेल के ऑल मेल्स में हो, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। रीजन उसके पीछे यही है कि थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेरा इंटेंशन क्या था ये वीडियो बनाने का, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग हैं जो ये जो ऑफर्स होते हैं ना, इनके लालच में आ जाते हैं और ये स्पैम वाले जो जीव और जंतु हैं ये लोग क्या करते हैं ना, उसी का फायदा उठाते हैं। अब ये जो है, अगर आप इसे देखोगे ना, इन PPTs को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशनल नहीं है, 100% आपको ये लगेगा कि भाई क्या बात है, देखो इन्होंने तो बांटे भी हैं लॉटरी के प्राइसेस। तो आपको लगेगा कि भैया बिल्कुल, इन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया है, ईमेल एड्रेस भी दिया है और यहां पे आपको डॉक्टर जॉन मॉरिस की इंफॉर्मेशन भी दी है। तो भैया फुल प्रूफ प्लानिंग है। आपको क्या लगता है ये जो प्लानिंग है एक दिन की नहीं होती, ये लोग आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं इनको ऑलरेडी लूट चुके हैं और आप ये एक्सपर्ट हो गए हैं इनको। अगर आप इसकी कंप्लेन भी करते हो साइबर सेल में या कहीं भी, तो वो लोग भी जरूर ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इस चीज के झंझट में नहीं पलना चाह रहा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, अगर आप इनकी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हो और अगर आप जाते हो साइबरसेल में और वहां पे जाने के बाद आप उन्हें बोलते हो कि भैया मेरे साथ तो ऐसा फ्रॉड हो गया या फिर मेरे पास ऐसा ईमेल आया है, तो डेफिनेटली वो लोग इनकी इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन कोई नागरिक नहीं लेना चाहता इतना झंझट और नहीं पढ़ना चाहता इन झंझट्स में, इसीलिए कोई जो है इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता और इनके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं करता है, यही कारण आ जाता है। तो भैया मैं बता रहा हूँ ये टोटली फेक है। फेक कैसे है कि यहाँ पे मैंने किसी भी कॉम्पिटिशन में कोई एनरोलमेंट नहीं की थी, कोई USA मेगा मिलियन ईमेल लॉटरी का प्राइज अगर मुझे मिलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए सॉलिड। अब बताता हूँ ये कैसे आपसे जो है पैसे ठगते हैं इसके बेसिस पे। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, यार फ्रेंड्स नहीं बोल सकता, लाइक काइंड ऑफ अ सब्सक्राइबर, जिनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है पहले भी। और कैसे हुआ है, कैसे उन्हें ठगा है, कैसे चीजें हुई थी सारी, सब डिस्कस करूंगा। यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला है कि डियर विनर, ठीक है, तो लोगों को ना ऐसी खुशी हो जाती है। ये पूरा ईमेल पढ़ोगे ना आप तो आपको वैसे ही लगेगा कि भाई मैं तो बहुत जो है बड़ा आदमी बन गया हूं। और माफी चाहूंगा, $1750 मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्योंकि मैंने अमाउंट पूरी रीड नहीं की थी। ये है 1,750,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। भाई भाई कोई मारो मुझे आप तो
भाई इतना बड़ा लॉटरी का जो प्राइज है वो आपको मिल जाता है घर पे बैठे बैठे, किसी के दिमाग की घंटी नहीं बजती। क्यों आपको, आप ऐसे स्पेशल क्यों हो इन लोगों के लिए कि आपको इतना बड़ा जो प्राइज है ये लोग फ्री में दे देंगे? भाई किसी के लिए भी नहीं। अब क्या होगा ना, जैसे ही आप इन्हें कॉन्टैक्ट करोगे तो ये लोग आपको बोलेंगे कि भैया आपको ये पर्टिकुलर टैक्स भरना पड़ेगा, ये टैक्स भरोगे ना तो आपका जो पेमेंट है वो कन्वर्ट होगा आपके बैंक में, 25,000 रुपये आपसे ले लेंगे। फिर बोलेंगे, अब बंदा क्या ना एक बार पैसे इनको दे देता है 25,000 रुपये, फिर फंस जाता है। फिर वो क्या है ना, उसको अमाउंट लेने के लिए, पूरी अमाउंट लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर 25,000 रुपये उन्होंने जमा करा दिए, फिर ये बोलेंगे कि भाई यार एक ट्रांजेक्शन फीस और आती है या फिर एक टैक्सेस और आते हैं जो आपको 50,000 रुपये इसके लिए और भरने पड़ेंगे। फिर आप वो भी भर देते हो क्योंकि आप फंस चुके हो ऑलरेडी 25,000 देके। फिर ये लोग बोलते हैं यार ठीक है आपके पैसे जो हैं रेडी हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जाने के लिए उसमें कुछ एक आपके बैंक मैनेजर से डील करनी पड़ेगी, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे, 1,00,000 रुपये आपसे और ले लिए। फिर बंदा इस तरीके से फंस जाता है कि ये 1-1.5 लाख रुपये ठग लेते हैं बंदे से, उसके बाद और पैसों की डिमांड करते हैं और अब बंदे को समझ आ जाता है उसके बाद कि भाई मेरे साथ हो गया फ्रॉड, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब लोग क्या होता है ना, शर्माते हुए, लाइक लोगों को आती है शर्म कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो वो लोग किसी को रिपोर्ट करते नहीं, उनको लगता है भाई बदनामी हो जाएगी कि मेरे साथ कैसे फ्रॉड हो गया, ये रीजन आ जाता है कि आगे चल के वो कंप्लेन नहीं हो पाती। और इसी चीज का लोग ये जो फ्रॉड लोग हैं इसका फायदा उठाते हैं। तो गाइज मैं अवेयर करना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ईमेल आता है जो सस्पिशियस लगे आपको तो उसकी जरूर रिपोर्ट करें। एंड देन सेकंड थिंग इज कि आप ऐसे फ्रॉड्स के झांसे में ना आए, ये जो स्पाम वाले लोग हैं, स्पाम वाले जीव जंतु हैं, इनके झांसे में ना आए, अपनी खुद की कमाई पे बिलीव करें। ऐसे फालतू की लॉटरी हर किसी को नहीं मिलती है, या इतनी अच्छी हमारी किस्मत नहीं है कि 17,000 यानी 1,700,000 डॉलर्स की US डॉलर्स के आपको लॉटरी लग जाए इतना, और अगर लग भी जाए तो ये हमें क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे, इनका क्या पर्सनल बेनिफिट है? थोड़ा दिमाग लगा के क्या करो हर एक चीज। तो भाई उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी, लाइक आपने कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में हैशटैग टेक्निकल अवे लिखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, चैनल फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अगर बाइनरी एंड फॉरेक्स से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हो या स्कैमर से बचना चाहते हो। हाँ, काफी सारे लोगों को काफी ऑर्डिनरी वीडियो लगी होगी, सिंपल वीडियो लगी होगी कि ये चीजें तो हमें पता है, लेकिन अगर ये वीडियोस देख के, ये सीरीज देख के, ये शुरुआत मैंने की है, अगर ये चीजें देख के अगर कोई एक बंदा भी सेव कर लेता है अपने पैसे, इट्स लाइक बहुत बड़ी चीज होगी मेरे लिए, यही रीजन है। ठीक है, तो भाई मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।